हेलो बेटा, क्लास यूकेजी हम आपको पढ़ा रहे हैं अ की मात्रा। अ की मात्रा की प्रीवियस वीडियो में हमने आपको करवाए अ की मात्रा की शब्द। पहले तो हमने शब्द करवाए, फिर हमने आपको अ की मात्रा लगानी सिखाई। आज की वीडियो में हम आपको लिखवाएंगे अ की मात्रा वाले शब्द पहचान कर उनके आगे सही का निशान लगाना। ठीक है, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके कुछ पॉइंट होंगे, उन पॉइंटों में सारी मात्राओं के शब्द होंगे। आपने उनमें से केवल अ की मात्रा के शब्द देखने हैं, और जहां पर आपको अ की मात्रा के शब्द दिखेंगे आपने उनके आगे सही का निशान लगाना। नंबर वन पे लिखा हुआ है हमने सैर, सैर। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं बेटा, ये किसकी मात्रा है? अ की मात्रा का साइन है। तो सैर, सैर। तो इस पे किसकी मात्रा आ रखी है? सैर पे अ की मात्रा। तो हमने क्या कहा था, जहां पर अ की मात्रा होगी उसके आगे हमने क्या लगाना है? सही का निशान लगाना। नंबर टू पे कागज, कागज। अब आप इसमें देख सकते हैं, इस पे अ की मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है। नंबर थ्री पे है तुम, तुम। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे से अ की मात्रा नहीं है, इस पे है छोटे उ की मात्रा। नंबर नेक्स्ट है पैसा, पैसा। अब आप यहाँ पे से देख सकते हैं, इस पे अ की मात्रा है और यहाँ पे भी सेम मात्रा है। तो वहाँ पे किसकी मात्रा है? अ की मात्रा। तो पैसा, तो इस शब्द के आगे हमने फिर क्या लगाना है? सही का निशान। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझाएंगे। ये बेटा आपने अपनी नोटबुक ओपन की, अब आपको फर्स्ट लाइन दिख रही होगी, रेड लाइन। तो यहां पर हम डालेंगे अभ्यास अ, आधा भ, य, य पे आ की मात्रा स। इसके बाद बेटा हम वन लाइन काउंट करके लीव करेंगे। अब हमने लिखना है अ की मात्रा का साइन बनाना है, की मात्रा वाले शब्द पहचान कर उनके आगे सही का निशान लगाओ। ठीक है, फिर से हमने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। अब बेटा हमने पॉइंट डालने हैं, तो हमारे हैं पूरे 16 पॉइंट। ठीक है, तो हमने एक तरफ डाल रखे हैं 1 से 8 तक, दूसरी तरफ डाल रखे हमने 9 से 16 तक। ठीक है, आपकी नोटबुक में जितने पॉइंट आएंगे नीचे तक, आपने उतने पॉइंट डालने, वन लाइन काउंट। तो हमारी काउंटिंग है 16 तक। अब बेटा हमने दोनों तरफ कुछ शब्द लिख लेने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें सारी मात्राओं वाले शब्द होंगे, उनमें से आपने अ की मात्रा के शब्द को देखना है और उनके आगे सही का निशान लगाना है। तो पहले हम पूरे 16 पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कहां पर अ की मात्रा है, फिर हमने उसके बाद उनके आगे सही का निशान लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन पे है भ, भ पे उ की मात्रा स, अण। तो क्या हो गए? भूषण। क्या हो गए? भूषण। उसके बाद आपने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। नंबर टू पे आप लिखोगे बेटा ख, ख पे उ की मात्रा ज, फिर ल, ल पे बड़ी ई की मात्रा, ये क्या हो गए? खुजली। अब फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। नंबर थ्री पे आप लिखेंगे प, प पे ए की मात्रा द, ल, ये क्या हो गए? पैदल। क्या हो गया? पैदल। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लिख करना है। नंबर फोर, नंबर फोर पे है बेटा क, रे, ला। क, रे, रा पे ए की मात्रा, ल, ल पे आ की मात्रा, करेला। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लिख करने। नंबर फाइव, नंबर फाइव पे आप लिखेंगे वैध, वैध। व, व पे किसकी मात्रा आ रही? ए की मात्रा आ रही। तो ये हो गया वैध, वैध। फिर वन लाइन काउंट करके लिख करना है। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पे आप लिखेंगे दी,
वा द द पे बड़ी ई की मात्रा, व व पे आ की मात्रा, ल ल पे बड़ी ई की मात्रा, दिवाली। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। नंबर 7, नंबर 7 पे आप लिखेंगे बेटा न या, न पे आई की मात्रा, य य पे आ की मात्रा, नैया। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लिख करें। नंबर 8, नंबर 8 पे है नि, शा न, नि किसकी मात्रा आ रही, छोटे की, सा किसका उच्चारण आ रहा है, आ की मात्रा का, न निशान। ठीक है, अब आप आएंगे नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आपने लिखना है ड कैत, ड कैत। अब का पे किसकी मात्रा आ रही, ए की मात्रा, तो ये क्या हो गए, डकैत। अब नंबर 10 पे आपने लिखना है की या, की किसका आ रहा, छोटी का उच्चारण आ रहा, या पे आ की मात्रा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा की या, की या। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। नंबर 11, 11 पे आप लिखोगे द, द पे बड़े ऊ की मात्रा, ध दूध, दूध। नंबर नेक्स्ट आप लिखोगे छ, छ पे ए की मात्रा, ना, ना पे आ की मात्रा, तो क्या हुआ, छ ना, छ ना। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करनी। नंबर 13, 13 पे आप लिखोगे च, च पे छोटी ऊ की मात्रा, ह, ह पे ई की मात्रा, य, य पे आ की मात्रा, चू ही या, तो क्या हो गई, चूहिया। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करना है। नंबर 14, 14 पे आप लिखोगे बेटा फै, ल, फैल, ह पे किसकी आ रही, ए की मात्रा, तो ये हो गया फैल। फिर से आपने वन लाइन काउंट करके लीव करनी। नंबर 15, 15 पे आप लिखोगे भ, भ पे आ की मात्रा, र, ती, य, त पे किसकी आ रही, बड़ी ई की, तो ये हो गए भारतीय, क्या हो गए, भारतीय। नंबर 16, 16 पे आप लिखोगे भ, भ पे ऐ की मात्रा, र, व, भैरव, क्या हो गए, भैरव, तो भ के ऊपर किसकी आ रही, ऐ की मात्रा। तो बेटा आपके थे ये 16 पॉइंट। अब आपने देखा इन शब्दों में सारी मात्राओं के शब्द आ रखे, तो आपने इन शब्दों में से ए की मात्रा के शब्द को देखना है। जहां पर आपको ए की मात्रा के शब्द दिखेंगे, आपने उनके आगे क्या लगाना है, सही का निशान यानी कि टिक्का। तो आप नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे। 1 पे लिखा है भूषण, भूषण, कहीं पर ए की मात्रा नहीं है। नंबर 2 पे आप देखेंगे लिखा है खुजली, खुजली, तो कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं है। नंबर 3 पे आप देखेंगे लिखा है पैदल, पैदल, अब आप यहाँ पर से मात्रा को मैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी दो मात्रा है और यहाँ पे भी पा के ऊपर दो मात्रा है, यानी कि ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। पैदल के आगे क्या लगाना है, सही का निशान लगाना है। ठीक है, और जो आप ये सही का निशान लगाओगे बेटा, ये थोड़ा शब्द से दूर लगाओगे। ठीक है, अब आप नंबर 4 पे देखेंगे करेला, करेला, अब इस पे र पे मात्रा तो है, लेकिन किसकी है ये आपने पहचानना है। तो र पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की नहीं है, ए की मात्रा है। ठीक है, तो ये हो गया करेला। इस नंबर 5 पे आप देखेंगे लिखा है वैध, वैध, वैध पे किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, तो आपने इसके आगे क्या लगाना है बेटा, सही का निशान। नंबर 6 पे आप देखेंगे लिखा है दीवाली, तो कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं है। नंबर 7 पे आप देखेंगे लिखा है नैया, नैया, तो आपको ना पे किसकी मात्रा दिख रही, ए की मात्रा, तो आपने नैया के आगे क्या लगाना है, सही का निशान। नंबर 8 पे आप देख रहे हैं लिखा है निशान, निशान। अब आएंगे बेटा अब नंबर 9 पे, 9 पे लिखा है ड कैत, ड कैत, अब का पे आप देख रहे हैं किसकी मात्रा है, ए की मात्रा, डकैत के आगे भी आपने क्या लगाना है, सही का निशान। ठीक है,
अब देखेंगे आप नंबर 10 पे लिखा है कि या कहीं पर भी ए की मात्रा नहीं है। नंबर 11 पे लिखा है दूध, ए की मात्रा नहीं है। नंबर 12 पे आप देखेंगे लिखा है बेटा छैना, आपको छ पे किसकी मात्रा दिख रही है, ए की मात्रा, तो हमने छैना के आगे क्या लगाना है, सही का निशान। अब देखेंगे आप नंबर 13 पे लिखा है बेटा चूहिया, कहीं पर भी ए की मात्रा है नहीं है। नंबर 14 पे आप देखेंगे लिखा है फैल, अफा के ऊपर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो फैल के आगे भी आप क्या लगाओगे, सही का निशान लगाओगे। नंबर 15 पे आप देखोगे बेटा लिखा है भारतीय, कहीं पर ए की मात्रा है नहीं है। अब देखोगे आप 16 पे लिखा है भैरव, तो भैरव के आगे आप क्या लगाओगे, सही का निशान लगाओगे। तो बेटा आपने देखी ये फर्स्ट एक्सरसाइज हमने आपको समझाई, सेम आपने दूसरी एक्सरसाइज भी ऐसे ही करने, आपके पास इसी प्रकार से सारी मात्राओं के शब्द होंगे, आपने उनमें से एक ही मात्रा के शब्द को देखना है और उनके आगे सही का निशान लगाना है। जो आपकी ये एक्सरसाइज है बेटा ये आपने अपनी नोटबुक पे करना है, गुड हैंड राइटिंग में करोगे और साथ साथ में आपने इन शब्दों को भी लर्न करना है। अब आप देखेंगे अपनी नेक्स्ट अभ्यास। ओके, थैंक यू।